फेरि यो पेरेमा सिस्टम लागू हुँदैन, यो पनि आवाज उठाउनुपर्छ। ताले वुमन के पर तिमीहरू यो पनि भन्नु खाली हाम्रो लेबर का लागि मात्र परोटा किन छैन चौकीदार वाइज जो एग्रीमेंट हुआ है इससे 20% हुआ है और ये कंसेशन लिस्ट में था तो इसका 14% का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया। अभी बोलता है कि नहीं हम दे नहीं सकेगा 12% देंगे। अरे भाई आज के दिन में जिस प्रकार से हमारा मजदूर साल भर का कमाई जिस प्रकार से काम किया है और आज के दिन में लॉस हो गया बोल रहे हैं, क्या का लॉस बताइए तो आपको। आज का दिन में एक साल हो गया वेज नहीं बढ़ा है, आज 176 कम से कम 200 से ऊपर होना चाहिए था वेजेस। आज एक्स्ट्रा लीप पाइस जहाँ तीन रुपया और 3.5 रुपया हो गया, आज पत्ती का कच्चा पत्ती का दाम हो गया 40 से 45 रुपया और ये एग्रीमेंट हुआ था 3 रुपया और 3.5 रुपया, उस समय 17 और 18 रुपया दाम था कच्चा पत्ती का दाम, आज वो 40 से 45 रुपया हो गया। आज का दिन में 10 रुपये देना चाहिए, उस जगह भी नहीं दे रहा है, सभी जगह तो प्रॉफिट मुनाफा ले रहा है और आज जो साल भर का कमाई है जो हमारे मजदूर सब यही आशा लेके रहता है कि बोनस में हमारा बाल बच्चा को अच्छा से खिलाए पिलाए, अच्छा से कपड़ा लता पूजा उजा घूमे, इसीलिए यही भरोसा के साथ काम करते हैं, साल भर शर्म परिश्रम देते हैं और आज का दिन में ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हमें भूखना पड़ रहा है कि हमको 14% देना होगा, ऑलरेडी 14% एग्रीमेंट हो गया, वही चीज़ देना है। हम तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर 20%, जिसका 20% देना है दे रहा है, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ का एग्रीमेंट अगर इसी तरह हुआ तो हमारा और ये इतना केवल नहीं है, यहाँ पर भाउचर में काम करा रहा है इलीगल हिसाब से, कानूनी हम इनके ऊपर केस करेंगे क्योंकि ये भाउचर में काम कर रहा है जितना वर्कर को, हम ये चुपचाप बैठने वाला नहीं है। ये सरासर इंसाफ ना इंसाफी है क्योंकि एक भी वर्कर को कोई भी पीएफ ग्रेजुएटी सब मिलना चाहिए, ये एग्रीमेंट हुआ है हमारा, दिल्ली सरकार ने भी ऑलरेडी घोषणा कर दिया है, ये डिमांड पास हो गया है केंद्र सरकार से, बोर्ड लागू हो गया और आज के दिन में हमारा पश्चिम बंगाल सरकार का और हमारा जो कंपनी इस प्रकार से हमारा मजदूर के साथ में अवहेलना कर रहा है। हमारा 14% देना ही होगा, नहीं तो अगर 14% नहीं देगा तो हमारा शर्मी का बोल दिया है कि पूजा भी नहीं मनाएंगे और ये 12.5% हम लेने वाला भी नहीं है। अच्छा सर, डिमांड करे क्या बगान मैनेजमेंट की ओर से इसको लेकर कुछ उन लोगों को दबाव बंद कर देंगे इस तरह का कुछ? ऐसे तो अभी तक मन नहीं मिलेगा, अगर बगान बंद देगा तो जैसे कालचीनी और रायमटन बंद हो गया तो वहाँ का मजदूर नहीं वो बगान चला लेगा, यहाँ का अगर मजदूर सबको अगर धमकी देगा कि हम बगान बंद कर देगा चला जा, कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी हमारा मजदूर यही मजदूर यहाँ का मजदूर ही बगान को चलाता है, मैनेजर तो बस एक मूर्ति की तरह वो बिना काम का है, नाम के लेवल केवल है और वो काम करने वाला नहीं है क्योंकि मजदूर से सारा ये जो पसीना बगा रहा है ये पसीना नहीं है मेरा खून और पसीना है हमारा महिला सब, और ये और भी है परोटा सिस्टम क्या है, परोटा क्या आधा हाजिरी, मतलब अगर हम टैक्स नहीं पहुँचाएंगे तो आधा हाजिरी कहाँ था। अच्छा बताइए तो महिला ये दिन 8 घंटा ये मच्छर से लड़ाई करता है, जानवर से लड़ाई करता है वहाँ पे और पानी में धूप में काम करते हैं और इनको हाफ हाजिरी मिलता है। अच्छा बताइए तो किस डिपार्टमेंट में हाफ हाजिरी है, कहाँ पर परोटा है, परोटो कहाँ पर है, ना व्हीकल डिपार्टमेंट ना सीटीसी में ना सरदार में ना अब बाबू को है, कहीं पर नहीं है, केवल मेरा महिला का ऊपर ही अत्याचार क्यों, ये परोटा सिस्टम कहाँ से लाया है, ये परोटा से घोर विरोध करता हूँ आने वाला दिन, इसको अगर इस पर इसको अगर बातिल नहीं करता है, ये 2005 में सीपीएम और कांग्रेस ने जो फैसला किया इसको हम लोग घोर विरोध करते हैं, आने वाला दिन हम इसको लेके आंदोलन करेगा, नहीं तो टैक्स का ऊपर 25 किलो से ऊपर हम लोग नहीं तोड़ेंगे, हम टैक्स पहुंचाने के बाद में एक्स्ट्रा लीप प्राइस भी बढ़ना चाहिए कम से कम 10 रुपया, यही हमारा मांग है।